बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर प्यूटरिज्म एंड प्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हाइपर प्यूटरिज्म, हाइपर प्यूटरिज्म इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव सेक्रेशन और प्रोडक्शन ऑफ एन वन और मोर हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कह रहे हैं कि हाइपर प्यूटरिज्म एक तरह की कंडीशन है, इसके अंदर जो होंगे हमारे वन एक या एक ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर प्यूटरिज्म। तो ये डायग्राम है, ये इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये डायग्राम अगर आपको समझ लग गए तो आपको सारा ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम है समझ लग जाएगा। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इसमें दो तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, एक होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में से 6 हार्मोन रिलीज होंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से 2 हार्मोन रिलीज होंगे। जो एंटीरियर पिट्यूटरी में से 6 हार्मोन रिलीज होंगे, जो इसका पहला नाम है वो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि ब्रेस्ट में रिलीज होता है। दूसरा होगा FSH और LH, ये फीमेल में रिलीज होगा ओवरी में। ठीक है, और जो FSH LH होगा ये मेल में रिलीज होगा टेस्टिस में, तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा। एंड फोर्थ नंबर पे जो हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन है, ये बोन्स में, ये सॉफ्ट टिश्यू में रिलीज होगा। और जो फिफ्थ नंबर पे हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड में रिलीज होगा थायराइड हार्मोन। और जो सिक्स नंबर पे हार्मोन है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये जो है एडिनो ग्लैंड में रिलीज होगा, एडिनो ग्लैंड में यूज होगा, जिसका नाम है एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ये 6 हार्मोन थे, ये आपने देख लेने हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो 2 हार्मोन है उसके आज हम बात करते हैं। जो पहला हार्मोन है ADH, ये वैसोप्रेशन, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेशन, ये किडनी में रिलीज होता है। ठीक है, जो दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये ब्रेस्ट में यूट्रस वगैरह में रिलीज होता है। तो ये 2 हार्मोन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपने याद करने हैं। अगर आपको ये वाले हार्मोन आ गए तो आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आ जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा इज़ अ नॉन कैंसरस ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कह रहा है कि प्रोलैक्टिनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड का नॉन कैंसरस ट्यूमर है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, तो आगे दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, इसका नाम है हाइपोप्यूटरिज्म। हाइपोप्यूटरिज्म इज़ अ रेयर कंडीशन इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट मेक वन और मोर हार्मोन्स और डज नॉट मेक अनफ हार्मोन। वो कह रहे हैं कि हाइपो का मतलब है कम, वो कह रहे हैं कि हाइपोप्यूटरिज्म एक तरह की कंडीशन है, इसके अंदर ज़्यादा हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, वन या मोर एक या एक से ज़्यादा हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, कम हार्मोन रिलीज होंगे, तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपोप्यूटरिज्म। तो आगे ये वाली इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है शिहान सिंड्रोम। ठीक है, इसका दूसरा नाम है पोस्टपार्टम नेक्रोसिस। शिहान सिंड्रोम विच इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस रेफर टू द नेक्रोसिस ऑफ सेल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलोइंग सिग्निफिकेंट पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हाइपोवोलेमिया एंड शॉक। वो कह रहा है कि शिहान सिंड्रोम एक तरह का सिंड्रोम है, इसका दूसरा नाम है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसके नेक्रोसिस हो जाएगी। और इसके जो नेक्रोसिस ऑफ सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स होंगे उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, डेथ वगैरह हो जाएगी, सही तरह से काम नहीं करेंगे तो उसका, और ब्लीडिंग वगैरह होगी, हाइपोवोलेमिया, हमारी बॉडी हाइपोवोलेमिया में चल जाएगी, शॉक में चल जाएगी, तो उस कंडीशन को शिहान सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, तो यही था आज हमारा।